अखंड विद्याश्रम में आपका स्वागत है फैमिली धर्मा ऋण द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बींग्स फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ ह्यूमन लाइफ मेरा धर्म इम्पेकेबल विजडम या अखंडता है माई ग्रेटेस्ट डिस्कवरी अनमोल आविष्कार दिव्यंक है जिसके साथ कुदरत की सारी खूबसूरत परफेक्ट चीजें बनाई गई हैं जिसके तीन अंश हैं ट्वेंटी टू बाई ट्वेंटी वन फर्स्ट स्टेज ऑफ जनरेशन है क्रिएशन है टेन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है एट पॉइंट थ्री थ्री वन फोर थर्ड स्टेज ऑफ डेजल्यूशन और मैचुरेशन है यही कुदरत की देन है इससे ही कुदरत ने सारी चीज़ों को बनाया है शुरू ट्वेंटी टू ट्वेंटी वन है टेन स्टेज की डेवलपमेंट है ग्रोथ है उसके बाद अंतिम पॉइंट थ्री फोर आकर वो एक नंबर ले लेता वन पॉइंट सिक्स वन एट जीरो ये जीवन का वो अनमोल आविष्कार है जिसके आधार पे दुनिया की हर खूबसूरत चीज़ को देखने का जानने का पहचानने का सौभाग्य मुझे मिला है मैं वही दुनिया को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और जो भी मंत्र है दिव्यंक है उसको एक यंत्र फॉर्म में मैंने इसमें डाल दिया है जिसका बाहर का हिस्सा ट्वेंटी टू बाई ट्वेंटी वन है टेन पेंटागॉन्स हैं टेन स्टेट डेवलपमेंट है और पांच जो टेट्रागॉन्स हैं वो पॉइंट थ्री फोर फोर वन नाइन है ये भी एक परिभाषा मैं बता रहा हूँ कि दुनिया की भाषाओं को ट्रांसलेशन करने से अनुवाद करने से बिल्कुल ठीक हो तो पहले हमें सिंबल बनाने पड़ेंगे फिर सिंगल से हम दोबारा भाषा में बता सकते हैं ज्ञान को मैथमेटिक्स सबसे पहले है दूसरा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन या यंत्र है उसके बाद ही लिखना चाहिए ये तीन प्रोसेस मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं और अंत में पूरी दुनिया किस तरीके से बनी है वो इसमें है इसमें सारे के सारे वो यंत्र हैं सिंबल्स हैं जिसकी वर्णन करके मैं पूरे महाब्रह्मांड ब्रह्मांड और पिंडांड और जहाँ तक कि सोडियम और क्लोराइड के सिंबल को इसी में देखता हूँ इसमें ही सब कुछ है जिसने इसको जान लिया पूरे ब्रह्मांड को खूबियों को जान सके एक वो समझ सके तो बाकी चीज़ों का समझना हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा अब आज चलते हैं कि मेरा मैं यही कह रहा हूँ कि हर इंसान का सबसे मनुष्य जन यह है कि वो हर तरीके से संपूर्ण हो फिजिकली फिट इकोनॉमिकली वेरी पावरफुल इमोशनली स्टेबल और हर तरीके से संपूर्ण हो पूर्ण हो अखंडता हो फिर वे दुनिया में अपना कल्याण करके दुनिया का कल्याण कर सकते हैं वो मेरा ही जीवन का पहला ही लक्ष्य है अब आगे चलते हैं कि हम तो जीवन में कुछ भी नहीं जहाँ तक कि हम बार बार बीमार होते रहते हैं उसका कारण क्या है मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि ये इग्नोरेंस है, एक है। हम अज्ञानी हैं हम कोई चीज़ जानते ही नहीं है हम शुरू हमारी पैदाश के बाद हम कुछ नहीं जानते हैं मगर उसके बाद भी जो जानते हैं वो भी गलत है और हम में ना सीखने जानने और इम्पेकेबल विजडम या अखंडता तक पहुंचने की सोच ही नहीं है शायद मैं पहला इंसान हूं जो अखंडता की सोच के हम परफेक्ट हैं हमें परफेक्ट जानना है सोचते सोचते सत्तर साल की उम्र में मैं वो कर पाया हूँ शायद दुनिया में दूसरी तक आज तक इस लेवल तक कोई नहीं पहुंच सका है और मैं समझता हूँ कि इसके आधार पे ही हम दुनिया को वो ज्ञान देंगे जिसके आधार पर हर किस्म की अखंडता ही नज़र आएगी वही मेरा जीवन का लक्ष्य है अब आ जाते हैं कि इस विषय पे जिस पर मैं बात करना चाहता हूँ उससे सबसे पहले यह है कि हर मानव की तीन धर्म है और मैं यही कह रहा हूँ कि सारे प्राणियों में सबसे जो महान है वो मानव है मनुष्य है ह्यूमन बीइंग है इसमें वो सारी क्षमताएँ हैं जो कुदरत की हैं जो कुदरत ने बनाया है उसे अपने तरीके से मानव को ही बनाया है और किसी दूसरी जीव को नहीं बनाया है ये कह सकते हैं कि अगर सृष्टि ब्रह्मांड है महाब्रह्मांड है तो पिंडांत अपने में उसकी पहचान है इसी को तत्व असी कहते हैं कि हर चीज़ें कुदरत से वैसी ही बनी हैं तो जब हमें बनाया गया तो हमें हमारे ऊपर सोचने की समझने की और अखंडता के जानने की क्षमता है हमें इसलिए बनाया है कि हमें लोकपालन बनना है और दुनिया में कस्टोडियन या गार्डियन बन के पूरी सृष्टि को ठीक तरीके से देखने का सौभाग्य ही हमें है जो देवी देवता हैं वो अलग तरीके से अपने डिपार्टमेंट पेरिफ्रल डिपार्टमेंट देख रहे हैं मगर जो अखंडता जो संपूर्णता है वो मानव में ही है ये भी चीज़ मैं दिखाना चाहूँ हम सब मानव में हैं सिर्फ मेरे में नहीं है हर और हर मानव को तीन धर्म दिए गए हैं हमारा जन्म भूमि पे हुआ है इसके इक्लिब्रियम इसकी संतुलता इसकी अखंडता को बनाए रखना चाहिए चाहे हम जो भी आज खा रहे हैं पी रहे हैं बना रहे हैं जने ये हमारे पितरों की दी हुई चीज़ें हैं उन्होंने प्लांट्स बनाए थे वृक्ष लगाए थे चीज़ें बनाई थी जो साइंस भी उन्होंने ही बना के दी है हम आज जो भी पा रहे हैं हमें पितरों की देन पे बन रहा है अब सबसे पहले जो भूमि पे है उसका संतुलन बनाए के रखना हमारे लिए ज़रूरी है ताकि अगर भूमि श्रृष्ट रहेगी बराबर रहेगी संतुलन रहेगा संपूर्ण रहेगा तो हम भी संपूर्ण रहेंगे जिस सबसे पहले जो ऋण है मैं उसे भूमि ऋण कहता हूँ या अर्थ धर्म है जो दूसरा धर्म है कि हमारी पैदाइश हमारे पितरों के कारण है एंसेस्ट्र के कारण है वो जनरेशन जब मैं फैमिली धर्म की बात कर रहा हूँ न्यू जनरेशन की बात कर रहा हूँ आज का विषय इसी विषय पे है उन्होंने हमें पैदा किया है हमें कैसे परफेक्ट मैं परफेक्ट हूँ और मुझे मैं यही दिखाना चाहता है कि परफेक्शन ही हमें जाननी है हमें गलत ज्ञान ज्ञान विज्ञान प्रज्ञान से अखंडता तक, तक जाना है वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस विषय में जो संपूर्ण इंसान है जो मानव है जो कुदरत की तरह है उसको संपूर्ण होने के लिए कुदरत ने कैसे बनाया था मैं उस विषय की बात करने वाली वो नहीं जो दुनिया को पढ़ाया जाता है जो पढ़ाया जा रहा है वो गलत है जो कुदरत ने बनाया वो परफेक्ट है अब जब तक वो कुदरत की बनाई हुई चीज़ को नहीं समझ पाएंगे तो गलत चीज़ को समझ भी नहीं पाएंगे तो मैं पहले गलत चीज़ों को दिखाऊँगा फिर उसमें जो संपूर्णता है अखंडता है वो दिखा के ताकि दुनिया में वो ज्ञान दिया जाए जो सब एक बराबर हो आज स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो भी पढ़ाया जाता है बड़ा गलत है और एक और दूसरे में इतना अंतर है कि बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और मैं चाहता हूँ कि सारे के सारे बच्चे पूरी संपूर्णता अखंडता के साथ ही आगे बढ़े जो तीसरा धर्म है वो डिवाइन धर्म है कि इम्पेकर कुदरत ने ही सारी सृष्टि को बनाया है इतना खूबसूरत बनाया है कि कोई भी शब्द ये मैं नहीं कह सकते कि कुदरत ने गलत की है कुदरत ने हर चीज़ इतनी इतनी खूबसूरती से बनाया है मैं तो दंग हो जाता हूँ और वही सृष्टि से लेकर महाब्रह्मांड ब्रह्मांड से लेकर पिंड तक यहाँ तक कि छोटे से छोटे बड़ी बड़ी चीज़ें हर चीज़ संपूर्ण है वही संपूर्णता को मैं दिखाने की कोशिश वो ज्ञान जो है इम्पेकेबल विजम है वो तीसरा लक्ष्य है हमें वो दुनिया को देना है जो कुदरत की देन है वो नहीं देना है जो गलत है आज साइंस के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, विचारधाराओं के नाम पे हमने पूरी सोसाइटी को बदल दिया है धर्म के नाम पे बदल दिया है नेशन के नाम पे बदल दिया है और मैं जानता हूँ भूमि एक गांव की तरह है वी आर पार्ट ऑफ इट हमें हर सृष्टि को हर भूमि को हर मानव को हर जानवर को हर चीज़ को अपने जीवन का हिस्सा समझेंगे तो हम वासुदेव कुटुंब या यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की बात कर सकते हैं ये तीनों को ध्यान में रखते हुए एक मानव का धर्म है कि उसे भूमि का भी ध्यान रखना है परिवार का भी ध्यान रखना है और ज्ञान विज्ञान प्रज्ञान और अखंडता का भी ध्यान रखना है ये तीन चीजें ही मूल्य है जो सीच का सेकंड पार्ट है अब उस विषय पे हम बात करते हैं और मेरा मानना है कि हमारा धर्म खासकर ये महर्षि जजनवाल के ने अपनी किताबों में बड़ी साफ सुथरो में लिखा है अगर वेद कहते हैं कि सृष्टि के निर्माण से पहले तमस था अंधकार था तो उन्होंने कहा था ये मृत्यु है और मैंने उसे बता दिया कि वो आयसुमर्द न्योन ट्वेंटी वन है वो एक विषय था उसके बाद जो आत्मा जुड़ के आई थी उसका वर्णन जो सनातन धर्म ने किया है महर्षि यशनाथ कृत किया और मैंने ये कहा है कि वो अंतरात्मा या आत्मा जो भी है वो आयसुमर्द न्योन या हीलियम या आर्गन फोर्टी की हैं वो नोबल गैसेस ही हैं उनकी परिभाषा आत्मा एक ही है सबसे पहले जो चीज पैदा हुई थी वो आत्मा थी वो अंतरात्मा जो आत्मा, आत्मा जिसे शुरू हुआ जिसे शून्य कहते हैं या जीरो कहते हैं वही सृष्टि के निर्माण से पहले अंधकार के रूप में या तमस के रूप में या मृत्यु के रूप में या आइसोमर न्यून ट्वेंटी वन के रूप में था फिर वहाँ से शुरू हुल्फ ने जब अकेला था तो उसमें कुछ नहीं था कोई एक्टिविटी नहीं थी तो उसमें एक्टिविटी लाना या डायनेमिज्म लाना जरूरी था और मैं समझता हूँ वही बिग बैंग थेरी है आइसोमर्स न्यू वन ट्वेंटी वन मिलकर 22 ट्वेंटी टू बने थे व्हाट इज फर्स्ट स्टेज है अगर उसे देखा जाए तो मैं यही कहूँगा आइसोमर ट्वेंटी वन और दो बनकर ट्वेंटी टू बने हैं वही मानव और मनुष्य औरत और और जकता जक शक्ति हैं जब ये दोनों चीज़ बने थे उनको दो हिस्सों में बदल गया था उनकी जो भाषा भी थी वो भी दिव्यांग के आधार पे थी फिर उन्होंने दो हिस्सों में बांट करके जो पहली शब्द महर्षि रशनोवाली कहा था कि जो बनाया गया था उसको दो हिस्सों में बनाया गया था एक गोल्डन रंग का था दूसरा सिल्वर रंग का था और जब मैं देखता हूँ जो सिल्वर रंग है वो अलब्यूमिन की बात की रहे अंडे की शक्ल में जो गोल्डन है वो ग्लोबलिंग की बात हो रही है ये दो चीज़ें ही एक एंड फॉर्म है उन्होंने ये भी कहा था कि उसके बाद जो भी शक्ल थी वो अंडे की रूप में थी चाहे उसे आप ब्रह्मांड कहें या पिंडांड कहें अंडे की शक्ल है और जो मुर्गी का अंडा है वो बेस्ट एग्जाम्पल है क्योंकि उसमें हैचिंग के लिए भी इक्कीस दिन ही लगते हैं वो दिव्यंग का हिस्सा है उसकी लेंथ एंड ब्रेथ दिव्यांग रेशो की तरह है वो दो चीज़ें हैं अब ये जो चीज़ बन के बन के आई है एग जिसके अंदर ग्लोबुलिन भी है अलविन में उससे ही लाइफ बनती है अगर आप अंडे से शुरू करें तो वहाँ से हो जाता है और इंसान में भी वो अंडे हैं मगर अंडे के दो हिस्से हैं एक स्पर्म है एक ओवम है मगर दोनों को जानेंगे तो हम उसको समझ सकते हैं उसके बाद ही इससे जीवन शुरू हुआ था उसकी जरूरी शुरुआत वहीं से हुई थी अंडे से शुरू हुई थी तो हम उस अंडे के बारे में चलते अब ये कहानी काफ़ी लोगों को लगती एक माइथोलॉजी या स्टोरी है या फ्रिक्शन है या साइंस है और मैं मानता हूँ कि जो वेद उपनिषद हैं वो साइंस को पूरे तरीके से जानते थे क्योंकि वो कुदरत के साथ जुड़े थे वो श्रुति के नाम से सारे चीज़ों को जान के मंत्रों को दे रहे थे यंत्र को दे रहे थे तंत्र को दे रहे हैं और यहाँ तक कि गणित विद्या को भी उन्होंने दिया था मगर उन्होंने गणित विद्या को उस तरीके से नहीं निकाला था जैसे मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ अगर हमें दुनिया को जानना है गणित विद्या के आधार पर ही समझ सकते हैं कि वही संपूर्ण है उसमें ही कंक्लूशन बराबर आता है उसको फिर यंत्र में लेकर फिर देखेंगे तो कोई सी किस्म की कोई भी त्रुटि हमें किसी चीज़ में नज़र नहीं आएगी मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अब आग आगे चलते हैं और मैं ये भी मानता हूँ कि उस चीज चीज़ को अगर देखा जाए तो मेल क्रोमोज़ोम और फीमेल क्रोमोज़ोम में क्या अंतर है मेल क्रोमोजोम में 22 टू ऑटोजोम हैं जो भी दिव्यंग का हिस्सा है प्लस एक्स एंड वाई है और जो शक्ता है वो 38.89 है वो ग्लोबुलिन है वो टेस्टोसिनल ड्रेनल से आता है जिसके आधार पे वो एक शक्ता का रूप ले लेता है जो फीमेल है वो 22 टू पेयर्स ऑफ ऑटोजोम्स हैं दिव्यंग का हिस्सा है प्लस एक्स एंड एक्स है तो उसकी परसेंटेज सिक्सटी वन क्योंकि इसमें क्षक्ता में एक एक्स है इसमें दो एक्स हैं तो इसकी रेशा सिक्सटी वन पॉइंट एट जीरो थ्री फोर बन जाती है इसमें लेस टेस्ट इसमें वो फीमेल बन जाती है शुरुआत दोनों की एक ही तरीके से होती है वो टेस्टोन के आधार पर या एक्स वाई के आधार से या एक्स एस के आधार पर वो मेल और फीमेल की शक्ल ले लेता है ये भी एक खूबसूरत वर्णन हमारे शास्त्रों में था मैं वही समझाने की कोशिश कर अगर हम शास्त्र के तरीके से देखेंगे अगर हम उन संस्कृत परिभाषा को समझ सकते हैं उनके मैथमेटिक्स को तो देख सकते हैं तो हम चीज़ों को आसानी से समझ पाएंगे अब आगे चलते हैं आग अब मेरा मानना है अब हमने एक की बात कर ली है उसमें ग्लोबलिन की बात कर ली है येलो कलर गोल्डन कलर और सफ़ेद सिल्वर अल्ब्यमिन की बात करती हैं ये शुरुआत ही अल्ब्यूमिन और ग्लोबिन से ही शुरू हुई है मगर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि परफेक्ट ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल एक शक्ति के अंदर जो माता बनने की शक्ति है जो कृति है जननी है उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में दुनिया में आज तक 2015 से पहले जो भी बताया गया था पूरी दुनिया में मैं किसी एक इंसान के ख़िलाफ़ नहीं कर रहा हूँ पूरा जो ज्ञान स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ जो भी दुनिया में दिखाया था वो गलत था मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमें जो भी पढ़ाया जा रहा था आज भी जो पढ़ाया जा रहा है वो गलत है और फर्स्ट जो कॉम्प्रीह विजम ऑफ परफेक्ट मैसेज है 2015 में दिव्यंक आने के बाद दिव्यंक से दिव्यंक रेशो बनने के बाद सीक्वेंस बनने के बाद इन्फिनिटी बनने के बाद अब वो ज्ञान अलग तरीके से जो नजर आया है जो मैंने देखा है मु मैं आप दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश करूंगा कि इसे ही अखंडता कहे जाते हैं मैं ये कह सकता हूं कि आज का जो वीडियो है वो अपने आप में एक संपूर्ण है अपने आप में एक मिसाल है और मैं चाहता हूं कि दुनिया का हर आदमी इस वीडियो को एक घंटे के लिए ध्यान के साथ सुने समझने की कोशिश करें कि एक मानव में सोचने समझने और अखंडता पन्ने की कितनी शक्ति है अगर हम सोचना शुरू करेंगे तर्क वतर्क करना शुरू करेंगे नेति नीति से उस तरफ चलेंगे तो ही हम पाएंगे जब तक हमें मानव की सोचने की क्षमता का हम सदुपयोग नहीं करेंगे हम जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे यही चीज़ मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें अब अखंडता के साथ सत्य के साथ आगे बढ़ना है आप पहले सबसे पहले जो फीमेल मेस्ट्रुअल साइकिल के बारे में दुनिया में माना गया है जाना है पहचाना है पहले मैं उसे समझाने की कोशिश करूँगा सबसे पहले यह है कि इसको इस पिक्चर में आप देख लेंगे कि पहले दो हिस्से हैं लेफ्ट और राइट एक पिंक कलर का है एक ग्रीन कलर का है जो पिंक कलर का है अंदर लाल और ऑरेंज और में बदला हुआ है जो पहले पाँच हैं वो फर्स्ट ब्लीडिंग फेज पाँच दिन की है उसके बाद आठ दिन प्रोलिफ्रेशन है उसके बाद ओवुलेशन आ जाती है उसके बाद तेरह दिन के लिए सिक्रिटरी फेज है पाँच आठ और तेरह वो भी फाइगोनेसी सीक्वेंस ही है सीक्वेंस सीक्वेंसी है वो बीच में ये है ये ही पढ़ाया जाता है इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ाया जाता है मगर फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल या मानसिक जो स्थिति है धर्म चक्कर है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है इसका वर्णन किसी भी किताब में या किसी भी रिसर्च में किसी भी आर्टिकल में सच्चाई ईमानदारी से नहीं गया, गया यही कहा जाता है कि ये ब्लीडिंग फेज से शुरू होता है और मैं गलत करते ये गलत है क्यों है कैसे है आज उस विषय पे हम पूरी प्रतिक्रिया के साथ एक एक पॉइंट को लेके दुनिया के साथ वो ज्ञान देना चाहता हूँ जो आज तक नहीं था मगर इसके बाद यही चीज़ मैं चाहता हूँ कि हर स्कूल में इसको आधार बन के इसी सिंबल को इसी वीडियो को इसी प्रतिक्रिया को पूरी दुनिया इंसान देखे में यही मेरी इच्छा है अब आते हैं कि जो पहला फर्स्ट स्टेज है वो पाँच दिन का है वो आप लाल रंग में देख सकते हैं ये पहला है और ये दूसरा जो फर्स्ट प्रोलिफ्रेशन है वो आठ दिन की दिखाई गई है आप इस पिक्चर में देख सकते हैं जो आठ दिन की है उसके बाद ओवुलेशन 12 घंटे की है जो सब जानते हैं सब पढ़ाया गया है वो आप बीच में देख रहे हैं आप उसके बाद 13 दिन सेक्रेटरी फेज है जे भी बच्चों को पढ़ाया जाता है कि पाँच आठ ओवुलेशन और तेरह यही है इसमें एक मैथमेटिकल डिज़ाइन लोगों ने ही बना के दुनिया के सामने पेश कर दिया है मैं इसके लिए दुनिया का साइंटिस्ट का आभारी हूँ उन्होंने मेरे काम को समझ लिया है मगर जो पिक्चर है उसमें आप देख सकते हैं कि ब्लीडिंग सेम में खून आ रहा है उसके बाद खून नहीं है फिर वो एंडोमेट्रियम कैसे बन रहा है आप आसानी से देख सकते हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हर चीज़ को एक ग्राफिक तरीके से सिंबल की तरफ से यंत्र की तरफ से मूर्ति की तरफ से पिक्चर की तरफ से देखना जरूरी है ज्ञान अपनी जगह है मूर्ति और मैथमेटिक्स जब इकट्ठी हो जाती हैं जिसमें किसी किस्म की गलती नहीं है फिर ही जाके हम ज्ञान हमेशा हमेशा के लिए याद रखते हैं आज हमारे बच्चे जो मेरे पास पढ़ने के लिए आते हैं उनको ऐसे जेड तक सारी चीज़ों में गलतियाँ ही गलतियाँ हैं इसलिए उनमें वो क्षमता नहीं है जो मैं हर मानव में देखना चाहता हूँ इसके लिए मैंने भी पिछले तीस साल से ख़ास करके बीस साल से इसी काम को दुनिया पे बाकी सारे काम छोड़ दिए मैं समझते ये काम मैं ही कर सकता हूँ डॉक्टर दूसरे भी बन सकते हैं इंडस्ट्री दूसरे भी बन सकते हैं कर सकते हैं मगर ये काम सिर्फ मैं ही करके इसका अनुभव मेरा ही है क्योंकि मैंने अनुभव किया है अपने अनुभव के आधार पे, मैं देखता हूँ सारी किताबें गलत हैं कहीं ना कहीं उसमें पर त्रुटियाँ हैं मैन मेड डिज़ाइन्स पे हैं अब कुदरत की डिज़ाइन से मैं पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ अब आगे चलते हैं अब आके इस पिक्चर को मैं ब्रिटानिया एनसाइक्लोपीडिया की वो पिक्चर दिखा रहा हूँ जो सबसे बेहतरीन मुझे लगती है ब्रिटेन एस्ट्रोज जे पिक्चर को बहुत बड़े तरीके से बनाया है अगर दुनिया आज इस्तेमाल कर रही इसी पिक्चर का इस्तेमाल करके ही दिखा रहे हैं अगर इसमें जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है आज देख लीजिए है कि तीन मेजर फेज जैसे मैंने कहा कि फाइव डेज ब्लीडिंग है प्रोलिफ्रेशन आठ है सेक्रेटरी थर्टीन डे दे, आप देख सकते हैं बीच में ओबुलेशन है वो तीन हिस्सों में बदला गया है आप पिक्चर में आसानी से देख सकते हैं तो इसमें पाँच आठ तेरह की जो है वो सीक्वेंस है इसमें कोई दार नहीं तो इस पिक्चर को मैंने समझा दिया है यही पिक्चर का ज्ञान है और मैं कह रहा हूँ ये ज्ञान अधूरा है इसमें कहाँ शुरू होता है कैसे शुरू होता है उसका वर्णन ही नहीं है और जब तक कि हम किसी चीज़ को शुरू से नहीं देखेंगे बीच में देखेंगे तो गलतियाँ हो जाएंगी आज भी जब मैं मैथमेटिकल नंबर की बात करता हूँ लोग कहते हैं कि छठी और शतावीं शताब्दी तक जीरो का ज्ञान ही नहीं था एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ है ये वैश्य की परिभाषा है मगर भारत जानता था कि शुरुआत ही शून्य से शुरू हुई है वही ज़ीरो है उसमें से एक निकला है फिर दो है फिर तीन है चार है पाँच भारत में ब्राह्मणों में कोई कमी नहीं थी वो जानते थे हम शून्य से आए हैं वही अंतरात्मा है वही ज़ीरो है बाकी उसी से निकले हुए हैं जीवित जीवन का हमें कभी कभी मगर कहा जाता है कि आर्यभट्ट ने इन्वेंट करके दुनिया को दिया है इसका फिर आके भारत ने ही उसको दिया है कि ये है मगर उनकी सोच वहाँ तक नहीं थी जहाँ तक कि मेरी जा रही है आज मैं भी कहता हूँ कि अंतरात्मा जो तत्व है वही ज़ीरो है वही शून्य है वही सिफर है वहीं से शुरू हुए हैं आप इसके लिए जब तक हम सिरों से शुरू नहीं करेंगे तो बाकी चीज़ों को नंबर नहीं समझ पाएंगे इसलिए मेरी शुरुआत शुरू से ही है सृष्टि के निर्माण से पहले क्या था वो शून्य था फिर सृष्टि कैसे बनी है वो एक और अल्ब्यूमिन में बनाया है फिर उससे चीज़ें कैसी हैं टेंथ से में अल्ब्यूमिन से बनकर सृष्टि में आकाश आकाशभूता है और वो वायु बूता अग्निभूता जल बूता और पृथ्वी में बने हैं उसकी स्टेजेस हैं वो एक करके मैं अब सीक्वेंस बाय सीक्वेंस दिखा रहा हूँ जिसमें कोई भी कमी किसी किस्म की नहीं है जब तक कि हमारा ज्ञान एक महाग्रंथ की तरह शून्य से शुरू होकर आगे एक पाई देख चलने गया था हम अखंडता को नहीं समझ पाएंगे मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इसमें गलतियाँ हैं अब इसको पहले ये ठीक करेंगे ताकि हमारी जो शक्ति है जो हमारी माँ है जो हमारी उदाहरण करती है जो ब्रह्मा की तरह हैं उनको ही अगर हम ठीक तरीके से देखेंगे जानेंगे पहचानेंगे तो हम सृष्टि को समझ पाते हैं और मैं समझता हूँ कि मेरा धर्म वही है कि हम सब शक्ति को माता को समझे जननी को समझे उसको वो मर्यादा दे जो है हम मानव मनुष्य शक्ता जो भी कहे हमें शक्ति बनने की क्षमता नहीं है वो सिर्फ शक्ति की है इसलिए शक्ति को सबसे ज़्यादा माननीय मानना सिर्फ भारत ने किया है इसलिए माता पिता की ने पहले शक्ति को लिखते हैं उसके बाद ही शक्ता का नाम आता है जेवी जीवन का सत्य है तो शक्ति को हम संपूर्ण देखेंगे उसको पहचानेंगे तो हम कुदरत को पहचान क्योंकि शब्द बनाने की क्षमता मानव की माँ में ही है इसलिए अम्मा कहिए माँ कहिए जो भी कहिए वो यूनिवर्सल एक ही है क्योंकि वही माता है आम जो भी हैं उनकी देन है मैं जो भी हूँ मेरी माता की देन है बस जीवन का साथ आज इसको मैं अच्छे तरीके से समझाने का एक प्रयत्न कर रहा हूँ ये आशा करके कि आप सब इसे ध्यान के साथ सुनिए स्टेप बाय स्टेप पॉइंट बाय पॉइंट लक्ष्य बाय लक्ष्य उसे समझने की कोशिश करते हैं हम आगे चलते हैं अब जो मिसिंग इवेंट्स हैं अब उन चीज़ों को निकाल कर मैं दिखाना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो मिसिंग लिंक है वो जो ovul, जो साइकिल है ओवुलेशन से पहले जब बनने से पहले पाँच दिन ब्लिनिंग से पहले तीन दिन का है ये तीन दिन पहले शुरू हो गया था जो मैं दे रहा हूँ इस इवेंट को इग्नोर किया गया था क्यों इग्नोर किया गया था क्यों इसे नहीं समझाया गया मैं यही कहूँगा कि मैं भी साइंटिस्ट हूँ मैं भी पी एच डी हूँ और लेखक हूँ स्क्रिप्ट राइटर हूँ मगर मैं देखता हूँ कि जो साइंस के नाम पर जो भी रिसर्च दुनिया में हो रही है मैं आज साइंस को वेस्ट मॉड्यूल नहीं कहता हूँ वे तो दुनिया की परिभाषा है दुनिया के हर साइंटिस्ट पूरी दुनिया से इसमें योगदान दे रहे हैं अब ये यूनिवर्सल हो चुकी है ये वेस्टर्न नहीं है मगर हम कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न तरीके से शुरू हुआ था उसके आधार पे ही उसमें गलतियां ढूंढ के उसमें ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली नए तरीके से नहीं देख रहे हैं हम कहीं ना कहीं कॉपी कैट रिसर्च साइंस ही कर रहे हैं पुरानी में गलती ढूंढ कर उसे डाल रहे हैं दूसरा आके उसमें गलतियां ढूंढ के और भी आगे ले जाता है वो चलते चलते हम एक स्टेज तक पढ़ मगर वो स्टेज जो साइंस की है वो संपूर्णता की नहीं है अखंडता की नहीं है हमें अखंडता तक जाना है तो दिव्यंग के आधार पर दोबारा रिसर्च करेंगे मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सारे सब्जेक्ट हमें संपूर्ण अखंडता का ज्ञान मिल जाएगा इसकी शुरुआत मैं इसी से कर रहा हूँ जो मैं अपनी वीडियो से कर रहा हूँ न हमें भी अपने आप में एक चैलेंज लेना चाहिए कि हमने गलतियाँ की हैं मगर मुझे अफसोस के साथ कहना है कि माधम में जे समझने की कि हमने गलतियां की नहीं की हैं हम समझते हैं कि हम बिल्कुल ठीक है बाकी दुनिया नहीं जानती है मगर हमें लेके के हमने गलतियां की हैं गलतियों से सुधरना है और आगे बढ़ के अखंडता देनी है इस विशेष के साथ हम आगे चलते हैं अब मेरा मानना है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उस उसका आधार चांद चंद्र से है और चंद्र की जो पूरा जो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग उतरना चलना अमावस्या से पूर्णिमा और पूर्णिमा से अमावस्या के जो पूरे दिन है वो ट्वेंटी नाइन पॉइंट फाइव डेज फाइव टू डेज के ही है जो छब्बीस दिन नहीं है पाँच आठ तेरह छब्बीस नहीं है एक्चुअली ट्वेंटी नाइन पॉइंट फाइव टू हैं इसका मतलब जो थ्री पॉइंट फाइव है वो वर्णन नहीं है मगर फाइव टू का वर्णन दूसरों में है क्योंकि वो ओवुलेशन के साथ जुड़ा हुआ है वो जो तीन नंबर हैं वो वर्णन नहीं है तो मैं यही दिखाता थे कि दिव्यंग सीक्वेंस ने मुझे बताया था कि इसकी शुरुआत तीन पाँच आठ आधा दिन आठ और पाँच में होनी चाहिए ताकि असेंडिंग और डिसेंडिंग समझ पाएंगे अब इस चीज़ में जो आइडिया मुझे मिला था कि कुदरत की देन यही है सूर्य भगवान हीलियम दे रहे हैं और चंद्र उसकी रोशनी दे रहे हैं तो दोनों चंद्र और सूर्य और भूमि तीनों को समझकर इस पर क्या संतुलन है क्या चीज़ है वही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ इसमें ही हंड्रेड एट भी नज़र आता है सूर्य भगवान के पर हंड्रेड एंड एट भूमि लगे आ जाती है और चंद्र और सूर्य के बीच में भी एक सौ आठ चंद्र आ जाते हैं जो भी मैं दिखा चुका हूँ कि हर जगह वही डिवाइन मैथ इसलिए कुदरत में कभी भी कभी नहीं है जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो ऊपर की तरफ देखें क्योंकि वह संपूर्णता है अखंडता है हम उस अखंडता से ज्ञान दुनिया को देने वाले हैं इसमें मुझे लगता है कि यहाँ पे माँ जो है शक्ति जो है वो मून से है चंद्र से है वही शक्ति है वो स्टार्टिंग पॉइंट है अब इसके आधार पर हम आगे चलते हैं अब मेरा मानना है कि पांच हिस्से औरत के ओवुलेशन में हिस्से आते हैं जो सबसे ऊपर है हाइपोथैलेमस है जिसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स और ऑटोनोमी नर्वस सिस्टम के दो सेंटर्स हैं जिसका अनमोल योगदान है जो दूसरा है एंटीरियर पिटूटरी भी है और साथ में पोस्टीरियर पिटूटरी भी बन जाता है मगर पोस्टीरियर पिटरी का हिस्सा हाइपोथैलेमस की एक्सटेंशन है बनता है हाइपोथैलेमस में है स्टोर होता है वहाँ बनता नहीं है जो बनता है एंटीरियर पिटूटरी में बनता है हाइपोटर में जो बनता है मैं उसका जिक्र करूंगा फिर इंटीरियर पिट्यूटरी से क्या बनता है उसके आधार पे ओवरीज में क्या होता है उसके बाद यूट्रस में क्या होता है उसके बाद साइकोलॉजिकल कैसी होती हैं ये पानों पानी चीज़ें हमें समझनी हैं फिर जाके हम माता के साइकिल को समझ सकते हैं मैं समझता हूँ कि मेरी योगदान जो भी है माताओं के कारण है मैं आज भी माता को अपनी पूजनीय गुरु मानता हूँ चाहे वो अदिति हूँ चाहे वो गायत्री हो चाहे दुर्गा हो चाहे माता वैष्णो देवी हो चाहे आदि प्राशक्ति हो शक्तियों सबको मैं समझता हूँ उनसे ही मुझे मिला है क्योंकि बाकी चीज़ें मुझ में हैं मगर मल्टीपल डायमेंशनल चीज़ें मुझे शक्ति में ही नज़र आती हैं शायद इसलिए मैं शक्ति का उपासक हूँ हमेशा रहूँगा क्योंकि मैंने जो भी पाया है शक्तियों से ही पाया है कि उनका पूरा योगदान मेरे तय वो ये भी ये भी कहते हैं कि हमें समझाए नहीं है तुम समझाने की कोशिश करो ये काम तुम आसानी से कर सकते तुम हो मैथमेटिशियन हो लॉजिकल हो सोच सकते हो समझ सकते हो और हम तुम्हें समझाएंगे तुम समझाओ आप आगे चलते हैं आप फर्स्ट स्टेज पे हम हाइपोथल में आ जाते हैं उसमें रिलीजिंग हार्मोन बनते हैं मैं जब तक ओवेशन की बात है या साइकिल की बात है जो हार्मोन वहाँ से बनता है वो जी एन आर एच है ग्लोनर रिलीजिंग हार्मोन जो में बनता है आप ऊपर लैब में रात में देख सकते हैं फिर वहाँ से रिलीज होकर वो एंटीरियर पिट्यूटरी में आता है अब मैं ये भी दिखाना चाहूँगा कि जो हार्मोन्स हैं वो पाइकोग्राम्स में हैं जहाँ पे एक परिवर्तन है जो हाइपोथोलमस रिपोर्ट पाइकोग्राम में बहुत छोटे हैं इसे आप जनरल सर्कुलेशन में ला कर एंटीरियर पिटूट नहीं ले सकते इसलिए कुदरत ने भी एक खूबसूरत वहाँ पर बनाई है हाइपोथलमस हाइपोफिशियल एक्सिस तो डायरेक्टली वहाँ से जहाँ पर पोर्टल सिस्टम में आ जाता है ये भी एक खूबसूरत चीज़ है यह भी मैं जहाँ पर दिखाने की कोशिश फिर वहाँ पर आकर उसमें से फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हारमोन और ल्यूटनाइजिंग हारमोन दोनों बनते हैं जो वहाँ से निकल कर खून के माध्यम से रक्त के माध्यम से ओवरिस पर आ जाते हैं और वो अपना काम करना शुरू कर देते हैं ये जीवन का सत्य है अब आगे चलते हैं ये ओवरीज़ में जब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन लिफ्टलाइजिंग हार्मोन आते हैं वो क्या करते हैं सबसे पहले एक कोहार्ट ऑफ़ टेन प्राइमरी फॉलिकल्स को लिया जाता है ताकि उनको आगे बढ़ाया जाए दुनिया को नए सेल की शक्ल में देना है ये टेन है अब जहाँ पे मैं भी आगे जाके आपको समझाऊंगा ये प्राइमरी फॉलिकल्स क्या हैं सेकेंडरी क्या है फर्टिलाइजेशन क्या, क्या है उसके म्योसिस वन क्या है म्योसिस टू क्या है वो भी मैं बाद में दिखाता हूँ मगर वो पहला स्टेप है जिसको इग्नोर किया गया था दस प्राइमरी फॉलिकल्स को लिया जाता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग और लुटनाइजिंग हारमेन क्या थे इनका डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है वो पहले तीन दिन में फर्स्ट प्रॉलीफ्रिश स्टेज है और दूसरा एंडोमेट्रियम में एक नई बेसन लिए शुरू हो जाती है और खास खास करके कोवरिज में इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टन का भी बढ़ना शुरू हो जाता है इसके वर्णन मैं आगे करूँगा कि इसकी क्या मान्यता है जो जो फर्स्ट प्रोलिफ्रेशन स्टेज बेसल लेयर है जो पुरानी फंक्शनल बेसल लेयर फंक्शन लेयर को अलग कर देती है वो भी तीन दिन पहले ही शुरू हो जाती है उसके कारण जो रक्त की जो की से फंक्शनल क्लियर है वो कट हो जाता है कट होने के कारण उसमें नेक्रोसिस आना शुरू हो जाता है तीन दिन पहले ही जो जितनी भी पेंस हैं जोश है जो से, उसके कारण है बाकी चीज़ों को भूल जाइए क्योंकि खून ही बंद हो गया है तो उसमें कुदरती एक एक करके डैमेज हो रहे है क्योंकि खुद खुद का होना बहुत ज़रूरी है रक्त का होना ज़रूरी है ऑक्सीजन का जरूरी ग्लूकोज का होना जरूरी है अगर आप उसकी सप्लाई ही बंद कर दी है तीन दिन पहले ही तो तीन दिन में उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर देना मगर वो क्योंकि काट रहे हैं आर्टिफिशियल बना रहे हैं उसका जिक्र हम करते ही नहीं हैं सोचते भी नहीं है ये क्यों हुआ है ये पहला स्टेप है जिसे इग्नोर किया गया है अब इसे मैं आगे ले जाता हूँ अब इसके आधार पर जो फर्स्ट फेज में प्री मैंसो स्ट्रेस सिम्टम्स हैं वो भी जानना बहुत जरूरी है जैसे इसमें शार्प शब्दों में लिखे मूड स्विंग्स होना शुरू हो जाते हैं इंस्टेबिलिटी आ जाती है आप कहीं ना कहीं सो नहीं सकते हैं थक जाते हैं परेशान हो जाते हैं एक्नी आना शुरू हो जाती है हेड शुरू हो जाती है पेट में ब्लोटिंग वगैरह आना शुरू हो जाती है टे, फीमेल टेंडरनेस टेंडरसाइज वो सारे के सारे कंप्लेन वो कहीं ना कहीं हार्मोन इंबैलेंस के कारण हैं और कुछ नहीं है और वही कारण है कि हमें अपनी माताओं से अपनी बेटियों से अपनी बच्चियों से सबके साथ उन तीन दिन और पाँच दिन के लिए बहुत सुरक्षित तरीके से देखना चाहिए ताकि वो अपने आप में इस दिशा से आसानी से निकल जाए मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारी माताओं को उस तरीके से कोई तकलीफ दी जाए जिसके कारण वो तो फिज़िकली फिट हैं फिर भी हम उनसे वो काम कर आशा कर रहे हैं जो उनके लिए ज़रूरी नहीं है तो मैं समझता हूँ कि ये अखंड भारत में सबसे पहले यही चीज़ थी, थी कि तीन दिन पहले भी आराम करो फिर पांच दिन के लिए या तीन दिन के लिए उसको छुट्टी दी जाती है तुम आराम से रहो कहीं एक्सपोज ना हो कुछ भी नहीं मैं जो पुरानी वैशा है वो आज भी कहता हूँ कि ज़्यादा अच्छी है हमें औरतों से उनको ओवरसेस नहीं करना चाहिए मैं समझता हूँ तकलीफ़ है उसका कारण जानिए फिर समाधान ऐसा कीजिए जिसमें माताओं को या बच्चियों को या कोई किस्म की कोई भी कमी पेशी ना हो अब आगे चलते हैं तो इस वर्णन में मैंने जो भी समझाया है उसे पहले तीन दिन के अंदर मैंने दिखा दिया है फेज वन में फर्स्ट प्रोलिफ स्टेज है दस प्राइम फॉलिकल्स हैं उसमें एक बन जाता है नौ खत्म हो जाते हैं फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ल्यूटनाइजिंग हार्मोन है ईस्ट्रोजन बनना शुरू हो जाता है प्रोजिस्टर नहीं बनता है ईस्ट्रोजन का मतलब कि गर्मी पैदा करने वाला है प्रोजिस्टेंट प्रोग्रेसिव बनाने वाला है ये चीज़ भी मैं समझा रहा हूँ और नी बेसल लेयर जो नजर आती है वो सप्लाई को काट देती है जिसके कारण पेन क्रैम्स प्रेम्स, प्रीमेंसल टेंशन हो जाती है डिसइंक्रेज मैंने ये पूरे ज्ञान को इसमें भी शब्द दिखा ताकि बच्चे हमेशा हमेशा के लिए याद रहते हैं ये ही नेचुरल प्रोसेस है और साथ में आप देख सकते हैं कि वो फंक्शनल लेयर नीचे दिखाई हुई है उसके नीचे नई लाइन शुरू हो जाती है न्यू बेसर लेयर उसने काट दिया है ये समझ आ जाएगी तो आप समझ सकते हैं कि ये ही संपूर्ण ज्ञान विज्ञान प्रज्ञान है मैं चाहता हूं कि इसे ही दुनिया के सामने पेश किया जाए ताकि लोग शक्ति को समझ सकें जननी को समझ सकें उसकी पूरी सेवा कर सकते हैं कि अगले हमें कुदरत में जो भी है वो संपूर्ण होना चाहिए हमें अगर मानव को संपूर्ण बनाना है मेरी तरह बनाना है अखंडता के साथ बनाना है तो सबसे पहले हमें शक्ति को इस ज्ञान को समझना है कि जब सारी सृष्टि इसी पर निर्भर है ये चीज़ मैं पहले दिखा रहा हूँ अब आगे चलते हैं अब दूसरी स्टेज में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना कि कारण न्यू फंक्शनल लेयर से वो कट होने के बाद वो जो डी हुआ है वो पांच दिन के लिए निकल जाता है पूरा क्लियर हो जाता है और उसके बाद जो न्यू बेसल लेयर है वही फंक्शनल लेयर बन जाती है वो इसे मैं कहूँगा कि ये पाँच दिन जो हैं वो प्रोडिफेशन के सेकंड स्टेज हैं ये पाँच दिन का है सेकेंड फेज है इसमें ब्लीडिंग भी है और प्रोलिफ्रेशन भी है इसमें स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी बढ़ रहे हैं मगर आप देखेंगे तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन इस पिक्चर में देखते हैं वो ज़्यादा बढ़ रहा है ल्यूटिनाइजिंग में ज़्यादा नहीं है ये भी चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ और जहाँ तक कि नीचे प्रोजिस्टन है वो भी नहीं बढ़ रहा है मगर इस बनना शुरू हो गया है ये भी मैं दिखाना चाहता हूँ इसमें पूरे ग्राफिक्स हैं वो हैं जो मैंने दूसरे से लिए हैं मगर उसकी जो संपूर्णता है वो मैं तीन में पूरी कर रहा आप बीच में जो है वो जो ही देखने वाले हैं इसमें कोई दो राय नहीं है आप आगे चलते हैं अब इसके बाद जो थर्ड फेज ऑफ प्रोलीफ्रेशन है वो आठ दिन की है इसमें कोई दो राय नहीं है तीन पाँच और आठ एक सीक्वेंस बन जाता है सोलह दिन का है और इस दौरान में अगर आप देखें फॉलिकुलर स्टिमुलेटन शुरू शुरू में बढ़ रहा है मगर जैसे ही वो ओवुलेशन ओवोल्यूशन के पास आ रहे हैं तो उसकी मात्रा कम हो जाती है इसकी इतनी आवश्यकता नहीं है वो कम होना शुरू हो जाता है मगर इसोजन बढ़ना शुरू हो जाता है ल्यूटिनाइजिंग फॉलिकुलर कम है इसोजन है फिर कहीं ना कहीं ओवुलेशन से आधा दिन पहले उसमें एल एस सर्च हो जाती है इसोजन की सर्ज हो जाता है आप लोग देख रहे हैं मगर ये पाँच दिन में फॉलिकल स्टेज में आकर जो फॉलिकल साइज़ है वो 21 मिलीमीटर mm तक आना चाहिए ये भी चीज़ मैं दुनिया को दिखाना चाहिए अगर फॉलिकुलर साइज़ 21 मिलीमीटर mm, मीटर mm का नहीं है या 22 मिलीमीटर mm का नहीं है इसमें वो संपूर्णता नहीं होगी वो बच्चा इतना संतुष्ट नहीं बन जाएगा ना ही वो माँ बन पाएगी इस चीज़ पे भी हमें ध्यान के साथ देखना है कि हमारी जो जो प्रतिक्रिया है इसे इस तरीके से हमारा खाना पीना ऐसा हो कि किसी किस्म की कोई कमी क्योंकि हम केमिकल फैक्ट्री की तरह हैं हमें हर औरत को वही चीज़ देनी ताकि वो फर्टाइल रहे परफेक्ट रहे हमें वही खिलाना चाहिए जो उसके लिए अच्छा है वो ज़रूरी है मैं आज भी कहता हूँ कि मेरे घर में कभी भी जब खाना होता है जब ब्रेकफास्ट लंच हो लंच हो तो सबसे पहले औरतों को दिया जाता था उसके बाद ही मर्दों को दिया जाता है मैं समझता हूँ कि वो माता हैं उनकी सोच समझने की क्षमता जब बनाने की क्षमता हम में नहीं है हमको पहले उनको देना चाहिए उनको अच्छा वो है तो हम भी अच्छे होंगे अगर वो अच्छे नहीं तो हम अच्छे नहीं हैं ये परंपरा मेरे घर में शुरू से ही रही मेरे घर में अपनी यात्रित की बात मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं अपनी बात कर रहा हूँ अब वो स्टेज आठ दिन में आप देख लिए अब आगे चलते हैं आप जो ओवुलेशन के टाइम पर आप देख सकते हैं कि वहाँ पर ईस्ट्रोजन सर्ज हो गई है एल सर्ज हो गई है मगर दूसरी तरफ ईस्ट्रोजन सच होने के बाद कम हो गया है प्रोजिस्टेंट थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो गया है मगर वो ईस्ट्रोजन के कारण इस्ट्रोजन का मतलब कि वो गर्मी पैदा करती है वन ऑफ जो, जो प्रेगनेंसी का जो ओवलेशन का टेस्ट है कि टेम्परेचर आधे डिग्री बढ़ जाती है वो दिखा देता है कि हम भी इस्ट्रोजन बेस्ड हीट प्रोड्यूसिंग एनिमल्स ही हैं और कुछ नहीं है ये भी मैं दिखाना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं हम नहीं हैं बाकी जानवर हैं मैं हम में और उनमें कोई अंतर नहीं है जब हम साइंस उस तरीके से देखेंगे तो पहचानेंगे वो भी एक गलती है मैं ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ और बारह ये जो ओवलेशन के टाइम पर है बारह घंटे के लिए स्पम फर्टाइल रहता है और बारह घंटे के अंदर अंदर ही उसका फर्टिलाइजेशन हो जाना चाहिए स्पर्म के साथ हो जाना चाहिए बारह घंटे के बाद बेकार हो जाता है उसके बाद कुछ नहीं होने वाला है जे भी एक जीवन का वो सत्य है मैं सबको दिखाना चाहता हूँ अगर उसे समझेंगे तो ये है तो जो ओम है उसको बनने में भी बारह दिन लग जाते हैं लग जाते हैं उतने घंटे ही रहता है मगर जो स्पर्म है वो सेवनटी टू आवर्स तक रहता है तीन दिन के लिए रहता है और जो मेल है उसमें वाई क्रोमोजोम ज़्यादा होने के कारण उसकी स्पीड ज़्यादा रहती है इसलिए अगर ओवुलेशन के पास ही संभव होगा तो लड़का होने के ज़्यादा चांसेस हैं बाकी टाइम पे लड़की होने की चांसेस हैं ये भी ज्ञान साइंस के माध्यम से मैं दे रहा हूँ आप इसे समझ लेंगे तो आगे आप चलने की कोशिश करते हैं तीन पाँच आठ और आधे दिन का किस्सा हमने चार्ज चीज का ख़त्म कर दिया अब आगे एक सोच जो तेरह दिन की थी वो गलत है वो तेरह दिन एक नहीं है उसके दो हिस्से हैं वो आठ और पाँच के बीच में हैं अब मैं वो दिखाने की कोशिश करता हूँ कि हमने वहाँ पे भी क्या गलती की है अब मेरा मानना है ओवुलेशन हुई है उसकी फर्टिलाइजेशन हो गई है बारह घंटे के अंदर अंदर और फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो जो जाइगोड बनता है ओवम और के कारण उसको अम्बलिक सॉरी फेलोपियन ट्यूब में बनने के बाद उसका एंट्रोमेट्रीम में इम्प्लांट होने में आठ दिन लगते हैं वो आठ दिन में इम्प्लांट हो जाना चाहिए उसमें चल जाना चाहिए अगर नहीं होता है तो जो दुनिया को ज्ञान मिलेगा कि बच्चा नहीं हुआ है आप हाइपोथैलेमस आप जी एन आर एच बनाना बंद कर दो बाकी कम कमना शुरू हो जाते हैं तो जो पहली जो स्टेज है वो आठ दिन की है जिसे मैं कार्पस ल्यूटियम की स्टेज से कहूँगा कि वो कार्पस ल्यूटियम अभी भी ईस्ट्रोजन भी बना रहा है प्रोजिस्टेंट भी बना रहा है वो प्रिपेयर कर रहा है आठ दिन के लिए ये एक ज्ञान मैं देना चाहता हूँ कि आठ दिन के अंदर वो इम्प्लांट होना चाहिए अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब कि वो प्रेग्नेंट नहीं है वो अगला प्रोसेस शुरू हो जाएगा तो ये आठ दिन की कॉर्पस ल्यूटिन फेज है जिसमें वो फॉलिकल अब जो ल्यूटिन की फॉर्म में है ओवन निकलने के बाद वो अभी भी प्रोडक्टिव है आप नीचे देख सकते हैं कि उसमें ईस्ट्रोजन और प्रोस्टन दोनों ही बन रहे हैं क्योंकि वो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए हैं ये भी ज्ञान हमें हर बच्चे को देना चाहिए यही जीवन कैसा उसे हॉच पॉच मत दीजिए इसलिए मैं कहता हूँ कि ये ज्ञान मैं दुनिया को देना चाहता हूँ इसे समझिए जानिए पहचानिए मैं बार बार दिखाने की कोशिश करता हूँ अगर इसे समझ पाएंगे तो आप कुदरत को समझ पाएंगे बहुत ज़रूरी है आप आगे चलते हैं जो आखिरी फेज है वो पाँच दिन की है वो सिक्रेटरी फाइव फेज है मगर उसे मैं कार्पस अल्बिकन नाम की से कहता हूँ कार्पस ल्यूटियम आठ दिन का है पाँच दिन का अल्बिकैन है अब उसमें बनना शुरू जो बन रहा था वो बंद हो गया है तो जी एन आर एच नहीं है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन नहीं है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन नहीं है इस्ट्रोजन नहीं है प्रोजिस्ट नहीं है दूसरे हार्मोन नहीं है तो वो मरना शुरू हो जाता है वो चलते चलते एक स्कार की टी शर्ट से बनकर रह जाता है हमें बच्चों को वो भी समझाना है कि यही है आज मैं आज बताना चाहता हूँ कि मेडिकल कॉलेज में जब मैं अपने बच्चों को पढ़ाता था कि यही फीमेल साइकिल है बड़े बड़ी खुशी के साथ कहना पड़ता है कि जो प्रोफेसर इसको देखते थे सारे उनको दस टेन आउट ऑफ टेन दे देते दे थे और मुझसे पूछते थे कि यार तुमने यहाँ कहाँ से सीखा मैं ये तो कुदरत की देन है अगर आप दूसरी किताब बिना सोचे करेंगे तो ठीक है अगर सोचेंगे तो आपको जो ज्ञान मिल जाएगा और मुझे खुशी है कि जो बच्चे इसको देते थे उनको सेंटम मस्त मिल जाते थे यही जीवन का सत्य है आप अलविकन करने के, के बाद जो पाँच दिन के बाद उसके बाद नया साइकिल जो तीन दिन का दोबारा शुरू हो जाता है यही मैं मून के माध्यम से कहना चाहता हूँ अमावस्या से पूर्णिमा पूर्णिमा से अमावस्या का जो साइकिल है ट्वेंटी नाइन हाफ डेज का है मैं यही दिखाने की कोशिश कर अगर इसके आधार पे हम कुदरत को देख के, कुदरत को जान के कुदरत के मैथमेटिकल डिज़ाइन को उसके रिफ्लेक्शन जहाँ देखेंगे आप कुदरत को भी पहचानेंगे माँ को भी पहचानेंगे और जीवन को भी पहचानेगा यही मेरा सबसे बड़ा योगदान है मैं आज भी कहता हूँ मैंने अकेले ही दुनिया पे पूरी दुनिया के साइंस को हर तरीके से नकारा है कि तुम्हें गलत है गलत है गलत है यही सत्य है यही सत्य है यही सत्य है यही, यही सबको पढ़ाना चाहिए मैं इसी दावे से ये आशा करता हूँ ये वीडियो दुनिया का हर इंसान देखे और कहे कि यही दिव्यंग की पहचान है देवी सीक्वेंस है देवी रिक्वेंस है यही जीवन का सबसे सत्य है आप इसके आधार पे हर चीज़ मुकम्मल हो जाएगी अखंड हो जाएगी ये आशा करता हूँ आप इसमें मैंने इम्पेकेबल विज़न दिखाने के फर्स्ट फेज और प्रोल्यूशन की तीन दिन की है सेकेंड ब्लीडिंग और प्रोल्यूशन पाँच दिन की है थर्ड प्रोलिफ्रेशन आठ दिन की है फिर ओवुलेशन बारह घंटे की है फिर फर्स्ट सेक्रेटरी फेज कॉर्पस कॉरपोसोल्यूटिंग की आठ दिन की है सिक्स फेज जो है कॉर्पस कॉर्पोरेटिंग पाँच दिन ये चीज़ अगर आपके दिमाग में बैठ जाएगी आप जिंदगी में कभी कोई गलती किसी से तरीके हारमोन में गलती नहीं होगी स्ट्रक्चर में गलती नहीं होगी बेसल लेयर में गलती नहीं होगी फंक्शन लेयर में गलती नहीं होगी किसी किस्म की कोई गलती नहीं रहेगी मैं वही ज्ञान दुनिया को उसे अधूरा ज्ञान मत दो और मैं समझता कि हर बच्चे में समझने की क्षमता है ये अमीर हैं अरे हैं इंटेलिजेंट हैं ये इंटेलिजेंट कुछ नहीं हमें हम जो पढ़ाते हैं उसके आधार पर वो सीखते हैं अगर हमें गलत पढ़ाएंगे तो वो गलत बन जाएंगे अगर सत्य पढ़ाएंगे तो ठीक है क्या सत्य को जानने का अधिकार सिर्फ अमीरों की ही है और मैं समझता अमीर लोग भी कुछ नहीं सीखते हैं वो इनसे गरीब मेरे जैसे गरीब लोग गरीब परिवार से आते हैं वो हम ज़्यादा क्योंकि हमें दूसरा कोई चारा नहीं है हमारे पास पैसा नहीं हमारा ज्ञान विज्ञान ही सब कुछ है शायद मैं इसलिए हूँ क्योंकि मेरी मेरी पैदाइश गरीब घर गर से है गांव से है और मुझे पता है कि मुझे अगर बढ़ना है तो मुझे सिर्फ ज्ञान के आधार पर ही बढ़ना है बाकी कोई चारा नहीं है मेरे लिए शायद मैं पहुंच पाया हूँ भी जीवन का एक सत्य है आप आगे चलते हैं कि प्रोक्रिएशन के टाइम पे ओवम और स्पर्म को दोनों मिलके कैसे बनते हैं अब उसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान समझने की कोशिश करते हैं जो मेरा मेन जो है वो दिखा दिया है अब इसकी स्पोर्टिंग जो बच्चे बढ़ने की है वो प्रो क्रिएशन स्टेज या क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग की स्टेज के बारे में ओवम स्पर्म ओ जेनेसिस परमेटोजेनेसिस और जाइकोट के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे अब मैंने जैसे पहले कहा है जो अब मैं ऋण या फैमिली धर्मा ये कह रहा हूँ कि हमने जाए हैं इसलिए हमें शादी करनी चाहिए रिलीजियस मैरिज करनी चाहिए क्योंकि शादी एक से कीजिए अगर आपको अच्छा परिवार बनाना है बस यही जीवन का सत्य है यही शायद मैरिज जो भारत में की जाती है अखंड भारत में की जाती है उसकी रिलीजियस ट्री से दिखाया जाता है कि सात फेरों में क्या कहा जाता है क्या करना है क्या नहीं करना वो सब समझाया जाता है और जब वो समझ लेंगे तो हम हेल्थी वेल्थी प्रोक्रिएशन बनाएंगे एक परिवार बनाएंगे वो अखंड परिवार होगा सारी दुनिया के लिए अच्छा होगा हमें वही हमारे में शादी करने का साथ रहने का बच्चे पैने का अधिकार शक्ति को है शक्ति को पूरे अधिकार दे दीजिए उसको समझाइए उसको करने दीजिए तो परिवार अच्छा होगा हम आगे बढ़ पाएंगे यही जीवन का एक लक्ष्य मैंने अखंड भारत में सीखा है कि हमारी जो सोच है वो रिलीजियस बेस है वही यजुर्वेद से हैं वही यजनावाल किया बृहद उपनिषद में समझाने की कोशिश कर रहे हैं ईशा उपनिष्द में समझाने की कोशिश वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें धर्म का विवाह करना चाहिए एक से करना चाहिए और घर को ही अपना घर बनाकर उसको परिवर्तित एक मंदिर की तरह बनाकर दुनिया को एक नई भाषा जो देनी है वो संपूर्ण होनी चाहिए बस यही जीवन है जो वैसा है उसमें डाइवोर्स या सोचने की कोई क्षमता ही नहीं है कोई विचारधारा ही नहीं क्योंकि आपने डिसीजन लिया है आप इसके साथ रह के एक नया परिवार बनाना चाहिए इसलिए मैंने इसे पितृ ऋण या फैमिली धर्मा कहा है वो बहुत जरूरी है कुछ भी हो आपको अपने परिवार को देखना है जानना है पहचानना है उसमें अखंडता लाना है उसमें किसी किस्म की कोई कमी पेशी नहीं होनी चाहिए ये जीवन का एक सत्य है अब इसके बाद मैं लिविंग सेल की बात करता हूँ जो में भी इस है वो में है उसको हम अगर कम अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखेंगे तो तीन हिस्से इससे देखें सेल मेम्ब्रेन है साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है बस जीवन का यही सत्य है बस जब हम उसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखेंगे तो हम देखेंगे सेल मेम्ब्रेन के साथ हिस्से हैं साइटोप्लाज्म के साथ हिस्से हैं न्यूक्लियस के साथ हिस्से हैं दैट मीन लिविंग सेल के ट्वेंटी वन पार्ट्स हैं मगर उसका एक जो पार्ट है जिसे से हम सेंट्रोजोम कहते हैं उसमें दो सेंट्रियो हैं जो डिवीजन के टाइम पे दो बन जाते हैं तो ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू बन जाता है ये भी ब्रह्मांक की तरफ से मैंने दिखा दिया है कि साइंस यहाँ पे ही आके एक संपूर्ण बन जाती है आप वो टेंथ स्टेज डेवलपमेंट में जाते हैं तो आप जो वॉसन एंड क्रिक ने जो डबल हेलिक्स किया है अच्छा है बहुत बेहतरीन है मगर जो दिव्य के आधार पर मैंने बी डबल हेलिक्स बनाया है वो संपूर्ण है उसकी विथ ट्वेंटी वन टाइम है स्पायरल 22 का है और 10.344 पॉइंट थ्री स्टैंड हैं वो संपूर्णता है और मैंने अपने डी एच में वो चीज़ें भी दिखाई हैं जो न्यूक्लिक एसिड में वो प्रोटॉन प्रोटॉन कैसे इक्वल हैं कैसे संपता है एटॉमिक एलिमेंटल मॉलिक्यूल लेवल पर कितनी दूर है वो जरा मेरा जी एडिशन है वो भी अपने आप एक मिसाल है दिव्यांग के आधार पे बी डबल एच जो मैंने बना के दिया है वो भी एक उत्पन्न है अगर आप उस से बना सकते हैं आपके जीवन में कभी भी किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी ये भी मैं दिखा चुका हूं अब आगे चलते हैं आप क्रोमोजोम 22 टू पेयर हैं वो भी दिव्यंग का हिस्सा है एक्स वाई हैं मैं बात कर चुक चुका हूँ इस आगे चलते हैं अब ये टेंथ सेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ परफेक्ट ह्यूमन ओवम बी टेंथ सेज से जाता है इसके बारे में मैं जिक्र नहीं करूँगा ये पिक्चर है आप बाद में ध्यान के साथ इसमें देख सकते हैं द्वार पढ़ सकते हैं उसे किताब के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिए मगर जिस सिंबल में मैं वो दिखाना चाहता हूँ कि जो जेनेसिस है जो उसकी फर्स्ट स्टेज है वो पैदा होने से पहले ही बन जाती है फर्स्ट माइटोरिटी डिफ्रेंसीशन अंदर ही आ जाती है फीटल लाइफ में ही आ जाती है जो फर्स्ट स्टेज पर आ जाता है वो प्राइमरी फॉलिकल की साइज में है प्राइमरी ओ साइड बन जाता है इसमें कोई दो राय नहीं उसके बाद चाइल्ड की पैदाश होने के बाद प्यवर्टी तक उसमें थोड़ी चेंजेस आती हैं मगर कोई परिवर्तन नहीं होता है मगर प्यवर्टी टाइम पे वो टेन फॉलिकल्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं जिसमें म्योसिस वन आ जाता है वो शुरू हो चुका है मगर म्योसिस टू जो डिवीजन है वो फर्टिलाइजेशन के बाद ही शुरू होती है उससे पहले नहीं होती यही मैं पहले भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मुझे हमें बच्चों को वो ज्ञान देना है म्यूसिस वन हो चुका है मगर म्योसिस टू फर्टिलाइजेशन के बाद ही होता है उससे पहले नहीं होता है ये यही मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ उसके बाद फिर कैसे स्टेज फर्टिलाइजेशन होती है उसके बाद कैसे चलता है मैं दिखा चुका हूँ डिटेल में हम बाद में भी, भी बात कर सकते हैं मगर ये जीवन का सत्य है कि जो नंबर शुरू हुआ था वो वक्त के साथ कम होता जाता है और मेनोपॉज के टाइम आते आते फॉलिकल का नंबर या ऊर्जाइड का नंबर कम होना शुरू हो जाता है यह भी जीवन का एक सत्य है अब मैंने पहले भी कहा था कि ओवुलेशन से पहले 21 वन टू ट्वेंटी टू मिलीमीटर्स का फॉलिकल साइज बन जाना चाहिए हमारा ध्यान वही रहना चाहिए अगर ये 21 और 22 के बीच में है तो फर्टिलाइजेशन बराबर होगी ओवम बराबर होगा उसका एंट्रल बराबर होगा और आगे का बचा बिल्कुल संपूर्ण होगा अगर 21 से कम है तो उसमें कमियां रहेंगी 21 और 22 के बीच में रहेगा तो संपूर्ण होगा जे साइंस के माध्यम से मैं दिखाना चाहता हूँ जे भी एक वो ज्ञान है जो बड़ी अनिवार्य है और हमें बच्चों को दिखाना है आप आते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस पे स्पर्म बनने की तरफ मैं जहाँ पे परफेक्ट एनाटमी ऑफ मेल रिप्रोडक्शन की बात नहीं करना चाहते वो आप आसानी से किताब में भी पढ़ सकते हैं उसमें कुछ नहीं है क्योंकि वो एनाटमी है चलता है मेरे लिए फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसके आधार पर संपूर्णता आती है मगर जहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस में हाइपोथेलोमिस में जी आता है फॉर एंटीरियर पिटनरी में फॉलिकुलरस न्यूमलट और न्यूटलाइजिंग हार्मोन होता है उनका रोल टेस्टिस में क्या होता है कैसे स्पॉम बनते हैं कैसे टेस्टोस्टिडन बनता है वो ज्ञान मैंने इसमें दिया है मैं इसके बारे में डिटेल में नहीं कहूँगी इस पिक्चर में है ये इंटरनेट पे भी है किताबों में भी है इसमें मुझे कोई ज़्यादा गलतियाँ नज़र नहीं आती क्योंकि ये सिंपल प्रोसेस है इसमें मैं क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा हूँ आप स्पर्मेटोज़ जो उसमें टेब्यूल में बनता है जो इसमें नजर आ रहा है आप उसमें देख सकते हैं कि कैसे बन रहा है इसकी इसका भी बनना जिक्र मैं नहीं करूँगा क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस है मैं बाद में इसमें एक अलग वीडियो बना देंगे आप इसके भी टेन स्टेजेस हैं वो मैंने इसमें दिखाया है आप आसानी से पढ़ सकते हैं जो सर्कुलर स्पर्मेटोगोनियम है वो स्पम्प दस स्टेज में बनता है ये इसमें दिखाया है इसका जिक्र मैं नहीं करूँगा क्योंकि जिसमें इस वक्त में इसका लक्ष्य नहीं वो बाद में हम करेंगे और यही टेंट स्टेज इसमें भी मैंने दिखाई हैं आपको दिखाने के लिए वो आराम से आप देख सकते हैं कि इसका साइज कहाँ से शुरू होता है कैसे बढ़ता है कैसे कम होता है कैसे वो स्व में बन जाता है मगर जो चीज़ कैसे बनती है ये डिफरेंट स्टेज को मैं दिखा चुका हूँ कि ये टेंट स्टेज हैं मगर जिस पर्टिकुलर चीज को मैं दिखाना चाहता हूँ इसको हाईलाइट करना चाहता हूँ जो एक स्पर्मेटोगोनियम है वो 526 हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स स्पर्म बनाता है ये जीवन का सत्य जी मैं नहीं कह रहा हूँ जी मेडिकल किताबें कहती हैं उसमें क्या छुपा हुआ है कि वन टू क्योंकि सारे डायकॉटम्स डिविजन्स हैं एक दो चार आठ सोलह बत्तीस चौसठ वन ट्वेंटी एट टू फिफ्टी सिक्स हैं फाइव ट्वेंटी सिक्स हैं जो जितने भी नंबर हैं वो दस स्टेज में जाकर ही फाइव ट्वेंटी सिक्स बनते हैं ये बाइनरी डिवीजन ही अपने आप में मिसाल है कि एक से फाइव ट्वेंटी सिक्स हैं इसमें भी दिखाते हैं इसके भी टेंथ स्टेज हैं मैं वही दिखाने की कह रहा है कि जो दस अवतार हैं टेंथ स्टेज हर जगह आप दस दस ही देखने वाले हैं नौ और ग्यारह के बीच में नहीं है दस पॉइंट थ्री फोर फोर वन नाइन ही है यही जीवन का सत्य है अब आगे चलते हैं आप आ जाते हैं गर्भ अवस्था या फीटल डेवलपमेंट इसकी तीन स्टेजेस हैं और दिन तीन स्टेजेस में क्या होता है एक एक करके हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन या ओवम स्पर्म हो जाता है उसे हम फर्टिलाइज कहते हैं आप इसमें जब दोनों मिलकर आ रहे हैं उनका जो टू है वो फर्टिलाइजेशन के बाद ही ओवम में बन रहा है ये भी एक सत्य है अब बनने के बाद ओबुलेशन स्पर्म और जो मिल रहे हैं उनमें क्या है कि ये न्यूक्लियस स्पर्म का है वो ओवम के साथ मिल जाता है फर्टिलाइज हो जाता है तो म्योसिस टू आता है उससे पहले नहीं आता है यही मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आप उसके बाद आने के बाद जब मिल जाते हैं उसके बाद ही म्योसिस टू होता है उसके बाद ही ओवम बन जाता है उसके बाद जयगोड बन जाता है उसके बाद ही आगे का प्रोसेस शुरू हो जाता है हम आगे शेप में आ जाते हैं ये ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है अब जहाँ पे आके हम आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं जहाँ पे मैं एक एंशंट इंडियन स्टेटमेंट को दिखाना चाहता हूँ हमारे शास्त्र ये कहते हैं लॉर्ड ब्रह्मा ने सृष्टि बनाने के बाद डेढ़ साल के लिए आराम किया था ये पुराना स्टेटमेंट है मेरा नहीं है किताबों में लिखा हुआ है आ इसी चीज़ को मैं इसमें देखता हूँ कि जब जाइगोट बन जाता है उसकी फर्स्ट डिवीजन में डेढ़ दिन का ड लग जाता है डेढ़ दिन तक वो रेस्ट करता है आराम संतुलन करना चाहता है अपनी एक शेप में लाना चाहता है उसके बाद ही उसकी डिवीजन बनना शुरू हो जाती है एक दो तीन चार पाँच और आठ दिन में वो आके एंडोमेट्री में आके इम्प्लांट हो जाता है जैवी जीवन का सत्य है जिसे मैं कार्पोरेट न्यूटम स्टेज से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जी आठ दिन के बाद होना चाहिए ओवोल्यूशन हुई है फर्टिलाइजेशन हुई है इम्प्लांटेशन के बीच में आठ दिन है ये एक संतुलन है ये दुनिया का कोई भी इनकार नहीं कर सकता है ये भी मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ अब आगे चलते हैं आप फर्टिलाइजेशन है इम्प्लांटेशन हो गई है आठ दिन के अंदर तो वो शेप है वो ट्राइज लेर तक आ जाती है यहाँ से ही आगे फर्स्ट स्टेज ट्राइमेस्टर शुरू हो जाता है आप उसे फर्स्ट थ्री मंथ्स में एक वीक में क्या शेक है दो में क्या है तीन में क्या है चार में क्या है पाँच में क्या है छः में क्या है सात में क्या है आठ में क्या है नौ में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं वो आप देख सकते हैं जहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि जो ऋग्वेद कह रहे हैं एटम एलिमेंट मॉलिक्यूल कंपाउंड की बात उसे बड़ी खूबसूरती के मानव कास्मिक पुरुषा के तरीके से आयत्री ऑपरेशन ने बड़े अच्छे तरीके दिखाया है उसमें पांच मानव चीज़ों की बात की है सृष्टि की बात की है वो जो वर्नर फर्स्ट ट्राइमिस्टर में जो फर्स्ट सेक्शन में आयत्री ऑपरेशन में दिया है मैं वही फर्स्ट ट्राइमिस्टर में देखता हूँ तो आप अगर निरीन कॉर्नेशन में चले जाएंगे तो वो खूबी को आप इसमें देखते हैं वहाँ भी मैंने दिखाई है ये खूबी है फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर की कि वो सारी फॉर्म लेके स्टेज बन के एक स्टेज पे आ गया है अब उसको शेप देनी है उसमें घोड़े और गाली की बात होती है और बाद में मानव की बात होती है और जहाँ पे मानव का जो शेप है इसके बाद ही शुरू होने वाला है इस तक कोई भी शेप ले सकता था अब सेकेंड प्राइम मिनिस्टर में तेरह चौदह पंद्रह सोलह सतारह करके ट्वेंटी टू वीक तक एक शेप आ जाती है ट्वेंटी फोर वीक्स तक और इसमें जो शकल है वो मानव की बन गई है वही आयत्री उपनिषद दिखाने के लिए जो आइडियल है वो मानव है मनुष्य है वो मनुष्य की शक्ल आप 22 वीक्स में आप देख सकते हैं जेवी जीवन कर सकते हैं पहले 11 वीक्स सेकंड 11 वीक में आप ट्रा, सेकेंड ट्राइमिस्टर के अंत तक आ जाते हैं फर्स्ट और सेकेंड प्राइमिस्टर के बीच में आप कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी को अबॉश कर सकते हैं मगर उसके बाद नहीं कहते उसे मानव बन गया है इसके लिए अबॉर्शन परमिटेड नहीं है जे भी एक जीवन का सत्य है आप आगे जाते हैं 22 वीक्स के बाद या 24 के बाद आयत्री उपनिषद ये कहते हैं कि जो अंतरात्मा है वो बच्चे के बीच में दिमाग से आना शुरू हो जाती है ब्रह्मांड से आना शुरू हो जाती है ब्रह्मांक से आ जाता है तालू से एंटीनिफॉन्टिन से आ जाती है वो अंदर जाकर जितने भी क्रोमोजोम चेंजेस हैं अडॉप्ट हैं वो करना शुरू कर देते हैं मानव ने शक्ल बना दिया है उसको मॉडिफाई करना है अच्छे तरीके से वो ट्राई सेमिस्टर में अंतरात्मा के आने के बाद आयथ्री उपनिषद के बाद जो दिखाया गया है वो माननीय है अब आगे चलते थर्ड ट्राइमिस्टर में सेवन मंथ में क्या हो रहा है आठ मंथ में क्या आ रहा है और नौ मंथ के बाद फिर सर सर कैसे नीचे आके नीचे आ जाता है वो भी एक खूबसूरत मिसाल है अगर आप उसे समझ लेंगे तो आप आसानी से आगे बढ़ना समझ सकते हैं अब आगे चलते हैं अब बच्चा आ गया है पूर्ण बन गया है संपूर्ण बन गया है अब डिलीवरी के लिए तैयार हो गया है उसने अपने नौ महीने का समय ले लिया है जेवी जीवन का तीनों सेमेस्टर हो गया है संपूर्ण हो गया है अब उसे अपने तरीके से जीवन जीने का पूरा अधिकार है वो सांस भी ले सकता है हर चीज़ इंडिपेंडेंट बन सकती है इसके लिए वो तैयार है इसके लिए वो नीचे आ जाता है आप नीचे आने की जो प्रतिक्रिया है वो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म की है नेगेटिव फीडबैक में जो कॉज एंड इफ़ेक्ट हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में है ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो उसे कम करना है कम है तो ऊपर है ग्लूकोज है ये सब चीज़ें हैं मगर जहाँ डिलीवरी की बात आती है वो पॉजिटिव फीडबैक है अब जो पॉजिटिव फीडबैक को समझना है जो पहले शुरू होता है कॉज़ होता है वो इफेक्ट बनता है वह जो इफेक्ट बनता है वो दोबारा कॉज़ बन जाता है ये प्रोसेस चलता रहता है अगर आपको समझना है कि पॉजिटिव फीडबैक को मैं आप समझाने की कोशिश करता हूँ अब सर नीचे आ गया है उसके वज़न से सर्विक्स एक्सपैंड होती है जब सर्विक्स एक्सपैंड होती है वहाँ से एक सिग्नल निकलता है जो सीधा ब्रेन में चला जाता है हाइप्रोथमिस में चला जाता है आपसे कहते हैं कि अब ऑक्सीटोसिन को रिलीज़ कीजिए जब ऑक्सीटोसिन रिलीज की जाती है वो ब्लड के माध्यम से आके जो यूट्रस का जो फंडस है टॉप पोजीशन है उस पर कॉन्ट्रैक्ट करती हैं वहीं पे एक पेस मेकर है क्योंकि हार्ट में पेस मेकर है जी में पेस मेकर है थर्ड जो है वो यूट्रस में है अब मैं वो नर्वस इसके माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूँगा अगले वीडियो में मगर जो है पेस मेकर है उसमें वो कॉन्ट्रैक्ट करता है बच्चा और नीचे आता है और सर्विक्स से और सिग्नल ब्रेन में जाता है और ऑक्सीजन नीचा आती है ये प्रोसेस चलते चलते बच्चा एक एक करके नीचे आता जाता है और उसके बाद उसकी डिलीवरी हो जाती है इस वक्त एज ए मेडिकल डॉक्टर मेरी सारी लेडी डॉक्टर से या डॉक्टर से जो ऑबिस में कर रहे हैं उनसे एक ही प्रार्थना है कि बच्चे को नेचुरल तरीके से बढ़ने दीजिए बढ़ने दीजिए आपको सिसेरियन करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि कुदरत ने अच्छे तरीके अगर आपने प्रेगनेंसी के टाइम पे ठीक तरीके से देखा है जाना है पहचाना है तो आपका बच्चा संपूर्ण होगा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसे वॉचफुल ऑब्जर्वेशन की तरफ से कीजिए और स्पॉन्टेनियसली सिसेरियन करने की कोशिश मत कीजिए क्योंकि वो भी आप कुदरत के खिलवाड़ कर रही हैं और ये संपूर्ण अगर समझ आ जाएगा तो मैं समझता हूँ कि मेरा ज्ञान जो मैं दुनिया को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो संपूर्ण तरीके से ऐसे लेवल पर आ गया है जिसमें शुरू से लेकर अंत तक हर चीज़ जो कुदरत की बनाई है मैं वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ उसमें कोई किस्म की कोई कमी नहीं है किसी नहीं है यही है यही जी जीवन का सत्य है अगर ये समझ लेंगे तो हम आगे आसानी से बढ़ सकते हैं अब चलते हैं हम आगे है, आखिर इसमें जो भी ज्ञान मैंने देखा है इसी पिक्चर में है आप इसके बारे में मैं जिक्र नहीं करूँगा क्योंकि मैं आप बता सकता हूँ कि मैं जो दिखाया है समझाया है अगर आप समझ सकते हैं तो आप आगे बढ़ जाएंगे मगर इसको और समझने के लिए मेरे बाकी वीडियो भी अगर देखेंगे तो आपकी जो अखंडता की परिभाषा है वो संपूर्ण बन जाएगी और मैं चाहता हूँ कि मेरे वीडियो से ही आप सारी चीज़ों को संपूर्ण देख सकते हैं इससे किसी किस्म की कोई गलती मैंने तो नहीं किया अगर गलती सी है तो हम उसे ठीक कर सकते हैं अगर उसमें है तो हम विचार कर सकते हैं मगर ये शुरुआत है जो बाकी किताबों से, से अलग है यही मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ इससे शुरू कीजिए आप हमेशा संपूर्णता की अखंडता की तरफ जाएंगे मुझे लगता है कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत धन्यवाद मुझे खुशी है कि ये काम मैं कर पा रहा हूँ दुनिया को नया ज्ञान दे रहा हूँ वॉकिंग टॉकिंग एनसाइक्लोपीड दे रहा हूँ मेरा जीवन सफल हो रहा है थैंक यू वेरी मच